हमने पिछले मॉड्यूल में काम वाले शब्दों के बारे में जाना था और ये देखा था कि किस प्रकार काम वाले शब्दों के साथ उनके ही कुछ अन्य शब्दों के हम जोड़े बना सकते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, उतरना, चढ़ना, सोना, जागना। तो ये एक तरीके से एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द थे, लेकिन काम वाले शब्दों के रूप में इनका प्रयोग कई बार हम साथ में कर लेते हैं आवश्यकता के अनुसार, अपने बात के अनुसार। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्दों का अभ्यास करने जा रहे हैं जो काम वाले शब्द हैं और उनका किस प्रकार हम वाक्यों में अभ्यास करते हैं। कई बार हमारे लिए वो दोनों शब्द एक से प्रतीत होते हैं और हम उनको गलत रूप में प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम वाले शब्दों को प्रयोग करते समय मात्राओं का और शब्दों के लिखने में कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं काम वाले शब्दों का प्रयोग हमने लिखा है, तो अब काम वाले शब्द हमें पता है, जैसे हमने लिखा अब पीना, काम वाला शब्द है पीना, लेकिन वाक्य में लिखते समय जैसे दूध पीना अच्छी बात है, पीना क्रिया शब्द है, ठीक है, मैंने दूध पिया, तो अब पीना को हमने क्या बना दिया, पिया, माँ ने मुझे एक ग्लास लाकर दिया, दूध पिलाया, पिलाया, तो पीना, पिया, पिलाया तीनों ही पीना शब्द से बने हैं। तो किस प्रकार पिया और पिलाया शब्दों का प्रयोग हम करते हैं और शब्दों में वाक्य बनाते समय उनकी मात्राओं का ध्यान रखना होता है, वही देखना है हमें। पहला शब्द दिया है पिया, यानी खुद जो हम काम करते, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पिया, पिलाया, माँ ने दूध पिलाया, यानी कि माँ ने पिलाया, मैंने खुद नहीं पिया, तो एक मात्रा के एक शब्द के वर्ण के अंतर से इसका पूरा अर्थ बदल रहा है। वाक्य देखिए, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, उसने पानी पिलाया, पहले में मैंने पानी पिया यानी कि मैंने खुद पिया है, दूसरा मैंने पानी पिलाया यानी कि उसने मुझे पानी लाकर पिलाया, मैंने स्वयं पानी नहीं पिया, तो एक ही शब्द के दो रूप पिया और पिलाया अलग अलग अर्थ को दर्शाते हैं, इसलिए इन शब्दों को लिखते समय हमें ध्यान देना है। दूसरा है लिखा और लिखाया, लिखा खुद के जरिए जो काम हो रहे हैं, लिखाया जो दूसरों के द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ देख सकते रवि ने पत्र लिखा, रवि ने पत्र लिखा। दूसरा शिक्षक ने पत्र लिखाया, यहाँ पर पत्र लिखाने का काम किसने किया, शिक्षक ने, शिक्षक ने पत्र लिखाया, यहाँ पर रवि ने स्वयं खुद लिख लिया, यहाँ पर उसके अध्यापक ने उसे वो पत्र लिखवाया। अंतिम दिया और दिलाया, दिया यानी खुद दे दिया अपनी मर्जी से स्वयं, और दिलाया यानी किसी और ने आपको वो चीज दी है, दिलाई। यहाँ वाक्य देखते हैं, मैंने उसे उपहार दिया, मैंने उसे उपहार दिया, उसने मुझे उपहार दिलाया, उसने मुझे उपहार दिलाया, पहले मैं उपहार दिया, मैंने किसी को दे दिया स्वयं, और यहाँ पर किसी ने मुझे वह उपहार दिलाया है, खरीद कर दिया है, दिलाया। तो इस प्रकार पिया से बना पिलाया, लिखा से बना लिखाया, दिया से बना दिलाया, खाना खाया खिलाया, पढ़ा पढ़ाया। तो इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते समय जो काम वाले शब्द हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, किसके अनुसार, वाक्य के अनुसार, इसीलिए वाक्य रचना करते समय काम वाले शब्दों का ध्यान से देखना है, उनका रूप परिवर्तित करते समय हमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। और यह उदाहरण को फिर से अपनी कॉपी में इस अभ्यास को, अभ्यास नंबर 4 को लेखबद्ध कर लेना है, इसी उम्मीद के साथ कि आप इनका अभ्यास कर रहे हो और कॉपी में लेखबद्ध कर रहे हो। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए, टेक केयर, बाय।